नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गेट 2011 में क्वांटम मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन था उसको सोल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन है वो आपको थंबनेल पर दिख गया होगा। मैं एक बार क्वेश्चन को रीड करता हूँ। क्वेश्चन है, इफ़ एल एक्स, एल वाई एंड एल जेड आर रिस्पेक्टिवली द एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। हमें एल एक्स, एल वाई और एल जेड दिए हैं, वो है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एल। उसके बाद है द कम्यूटेटर, आपको जो कम्यूटेटर है वो बताना है, एल एक्स, एल वाई, एल जेड, ये किसके इक्वल है, ये क्या होगा, आपको ये बताना है। अब देखिए, एक होता है कम्यूटेटर, एक होता है एंटी कम्यूटेटर। इसको समझ लेते हैं। जो हमारा कम्यूटेटर होता है ए बी, ये होता है ए बी माइनस बी ए। और जो एंटी कम्यूटेटर है, कम्यूटेटर को इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, और जो हमारा एंटी कम्यूटेटर है उसको इस ब्रैकेट से डिनोट करते हैं ए बी। ये होता है ए बी प्लस बी ए, ये हमारा कम्यूटेटर, ये एंटी कम्यूटेटर, ये इसका जो फॉर्मूला कहें वो है। अब देखिए, हमें एल एक्स, एल वाई, एल जेड, ये तीन दे रखे हैं। देखिए, हम ए बी सी से बनाते हैं, ए बी सी, ए सी पर कम्यूट होता है, तो हमारा बी किस डायरेक्शन में, इधर है, तो बी को बाहर रख लीजिए, ए सी। अब जब बी सी पर कम्यूट कर रहा है तो ए किधर है, नहीं हमने सॉरी सॉरी सॉरी, जब ए सी पर ऑपरेटर हो रहा है या कम्यूट कर रहा है तो बी किस डायरेक्शन में, ए के इधर आ रहा है, तो इसको उधर निकाल दीजिए। और याद रखना, जो हाँ यहाँ पर इनका स्थान है वो बहुत इफेक्ट करता है, इसलिए जो जिधर आ रहा है उसको उधर ही रखें। ये नहीं, आपके इधर आ रहा तो इधर रख दिया, इधर आ रहा तो इधर, आपका आंसर कहीं का कहीं जा सकता है, इसलिए जो जहीं है वहीं पर रहने दो उसको। तो बी की किस डायरेक्शन में आ रहा है, ए के किस डायरेक्शन में, ए कम्यूट कर रहा है सी पर, तो ए सी, बी इस डायरेक्शन में आ गया। अब ए तो सी पर कम्यूट हो गया, अब बी को सी पर कम्यूट करेंगे, तो बी के ए किस डायरेक्शन में आ रहा, लेफ्ट हैंड साइड में, तो रखिए ए, बी कम्यूट कर रहा है सी के साथ। अब हमारे पास ये कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर है, अब इसको हम लिख सकते हैं ए सी माइनस सी ए, बी प्लस ए बी सी माइनस सी ए, नहीं सी बी, ये है जी ये कम्यूटेटर। अब देखिए, इसको हम सोल्व करेंगे अब क्वेश्चन को किस तरह, ये फॉर्मूला लगा के आप चार का भी बना सकते हो। अब देखिए क्या किया हमने इसमें, यहाँ पर ए बी सी तीन वेरिएबल है, ए जब सी पर ऑपरेट हो रहा है तो बी किस डायरेक्शन में आ रहा, राइट हैंड साइड में, तो हमने बी को राइट हैंड साइड में रख दिया, और ए सी पर कम्यूट हो गया, ए कम्यूट सी। उसके बाद ए को तो करा दिया हमने कम्यूट, अब बी को भी कराना है, तो बी सी पर कम्यूट करेगा। याद रखना, ये यहाँ पर ये कोमा है, बी ए और बी तो साथ हैं लेकिन यहाँ पर ये कोमा है, सी अलग है, तो अब ए को तो करा दिया सी पर, अब बी को कराते, बी कम्यूट करेगा सी पर, तो जो ए है वो किस डायरेक्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में, तो रखिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में, और बी कम्यूट सी। अब देखिए, हम जानते हैं जो हमारा कम्यूटेटर होता है वो क्या होता है, ए बी का कम्यूटेटर होता है ए बी माइनस बी है, तो यहाँ पर यही है ए और बी, ए बी माइनस बी है, यहाँ पर ए इधर आ गया, ए बी माइनस बी है। अब इस अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखने से पहले भी आपको कुछ और कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है वो देते हैं। जो हमारा यहाँ पर एल है एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, तो देखिए एल एक्स और एल वाई जब कम्यूट करते हैं तो इनका जो रिलेशन आता है वो आता है आयोटा एच क्रॉस एल जेड। आपको इसका जो स्थान है वो बहुत इसमें मोस्ट रोल प्ले करता है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल है इनका स्थान का, स्थान बिगड़ा आंसर बिगड़ा। तो एल एक्स यहाँ एल एक्स और एल वाई जब कम्यूट करते हैं तो आयोटा आयोटा एच क्रॉस एल जेड, एल एक्स एक्स वाई जेड, जब एल वाई कम्यूट करता है एल जेड पर तो आयोटा एच क्रॉस एल एक्स। उसी तरह एल जेड ऑपरेट होता है या कम्यूट करता है एक्स पर तो आयोटा एच क्रॉस एल वाई। लेकिन अब देखिए,
क्या हुआ, स्थान बदलते हैं। लेकिन जब एल वाई ऑपरेट होता है एल एक्स पर, हम जानते हैं आई जे के इधर से इधर जाते हैं, आई आई क्रॉस जे क्या होता है के, जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस के, वही यहाँ पर फंडा है, वही यहाँ पर फंडा है कि क्या जब एल वाई एल एक्स होता है एल वाई पर तो आयोटा एच क्रॉस एल जेड देता है, लेकिन यही यदि एल वाई एल एक्स पर होता हो माइनस आयोटा एच क्रॉस एल जेड देता है जी। उसी तरह यदि एल जेड एल वाई पर ऑपरेट होता है तो माइनस देता है आयोटा एच क्रॉस एल एक्स, उसी तरह एल एक्स एल जेड पर कम्यूट करता है तो यह कम्यूट करता है तो होता है कि माइनस आयोटा एच क्रॉस एल वाई। तो इनके पास जो पैलेस है, जो स्थान है, उसका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, एल एक्स और एल वाई कम्यूट कर रहे हैं एल जेड को, तो रखिए जी हम ए बी से करेंगे। जब एल एक्स एल जेड पर कम्यूट हो रहा है तो वाई किस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड में, रखिए जी इसको राइट हैंड साइड में एल जेड एल वाई। अब एल वाई एल जेड पर कम्यूट करेगा तो एल एक्स किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में, एल एक्स करके एल वाई एल जेड। अब रखिए ए बी, लगाइए ए बी का फॉर्मूला, तो क्या होगा एल ए बी एल एक्स एल वाई माइनस, या यहीं से कर सकते हैं हम एल एक्स दो मिनट देखते हैं कुछ, यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं या वैसे ही करना होगा हमें, नहीं यहाँ से हो जाएगा। अब तो हमारे पास, अब देखिए एल एक्स एल जेड पर कम्यूट कर रहा है तो हमारे पास एल एक्स एल जेड ये रहा, ये कितना होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस एल वाई, इधर एल वाई है, प्लस एल एक्स, ये एल वाई एल जेड पर हो रहा है, एल वाई एल जेड पर हो, एल वाई एल जेड ये कितना आता है आयोटा एच क्रॉस एल एक्स। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, आयोटा एच क्रॉस को कॉमन ले सकते हैं, ले लो आयोटा एच क्रॉस। अब क्या है एल वाई तो माइनस एल वाई का स्क्वायर प्लस ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा एल एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको रीअरेंज कर सके क्या लिख सकते हैं आयोटा एच क्रॉस एल एक्स का स्क्वायर माइनस एल वाई का होल स्क्वायर। ये हमारे पास ये कम्यूटेटर जो रिलेशन है वो है। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन ए है हमारे पास आयोटा एच क्रॉस एल एक्स का स्क्वायर प्लस एल वाई का स्क्वायर, ऑप्शन बी हमारे पास है टू आयोटा एच क्रॉस एल जेड, ऑप्शन सी हमारे पास आयोटा एच क्रॉस एल एक्स का स्क्वायर माइनस एल वाई का स्क्वायर, ऑप्शन डी हमारे पास जीरो। तो हमारा ऑप्शन क्या रहा है आयोटा एच क्रॉस एल एक्स माइनस एल वाई का स्क्वायर, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखिए क्या है, ये आपको एक कॉन्सेप्ट की तरह याद रखना है कि जब एल एक्स एल वाई पर कम्यूट करता है तो क्या आता है, और यदि रिवर्स हो जाए एल वाई एल एक्स पर कम्यूट करे तो क्या आता है, आपको ये छः बेसिक जो कम्यूटेटर का जो रिलेशन वो आता हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकते थे। ये क्वेश्चन गेट 2011 में पूछा गया था। तो वीडियो लाइक करना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।